नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करेंगे काशगंज खबर के साथ। और काशगंज के थाना अम्मापुर पुलिस ने एक अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। और पुलिस ने हथियार फैक्ट्री का खुलासा करते हुए एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने 4 बने हुए तमंचे और एक अध बना तमंचा और अवैध असलाह बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले भी कई अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो कि पेशेवर अपराधी बताया जा रहा है। तो काशगंज से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बताते चले कि पुलिस को लगातार आरोपी की तलाश थी, जिसके बाद पुलिस को हाथ सफलता लगी और अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस ने हथियार का खुलासा भी की, हथियार फैक्ट्री का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। अपराध नियंत्रण की दिशा में पुलिस अधीक्षक काशगंज महोदय द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज प्रभारी निरीक्षक अम्मापुर की टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। अर्जुनपुर कदीम के जंगल में संचालित अवैध असलाह फैक्ट्री पकड़ने में उनको सफलता मिली है, जिसमें एक अभियुक्त प्रेमपाल की गिरफ्तारी हुई है और उसका एक साथी अभियुक्त स्वदेश भागने में सफल रहा है। और गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 4 तमंचे, एक अर्धबना तमंचा, उसके साथ 3 कारतूस, साथ ही तमंचे बनाने के जो सावर्ती उपकरण हैं उनकी बरामदगी हुई है। अपराध पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही इस पर जारी है। पूछताछ में जानकारी हुई कहां का सप्लाई किया करता था, इसके बारे में अभी ये विवेचना का विषय है। इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद इस जहां से इनका सप्लाई है उसके बारे में भी आपको। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। श्रावस्ती में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत हो गई है। और आपको बताते चलें कि बीते 3 फरवरी को बालापुर के पास सड़क हादसे में युवक घायल हुआ था और स्थानीय अस्पताल के पास लखनऊ में घायल युवक का इलाज चल रहा था। वहीं उपचार के दौरान ही युवक के बताया जा रहा है कि लखनऊ एक्सप्रेस में ये भी जानकारी सामने आई है कि लखनऊ अस्पताल में ही दम तोड़ दिया और जिसके बाद मौत का शव बताते चलें कि जिसके बाद ही युवक का जो शव है वहां पर गांव पहुंचा और वहीं मौत की खबर मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। और पूरा मामला आपको बता दें कि थाना क्षेत्र कोना के लालपुर खदरा का है। उन्नाव में 9 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। गंभीर हालत में घर के पास मासूम मिली थी और जिसके बाद आपको बताते चले कि कल स्कूल से वापस लौटते समय बच्ची गायब हुई थी और वहीं परिजनों ने मोहल्ले के युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। मामले को लेकर हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री विमल द्विवेदी ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। मामला आपको बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी का है। कैसे कल पढ़ने गई थी, 3 बजे के बाद घर नहीं गई। 4 बजे जब हम लोग पता पाया, ढूंढने निकले, सारी रात सारा दिन हो गया ढूंढ रहे, नहीं मिली। सुबह 5 बजे या हमारे घर के पास आई, हमने उसको देखा तो उसको देख के वो तुरंत जाके पुलिस आ गई। पुलिस अपना अंडर में कर लिया, उसके जाके उसके घर वर हुए, सबको बताया, वो पुलिस अपने हाथ से पकड़ के लाई उसको। और जो लड़के थे, हम कभी ऐसे है नहीं, मजदूरी करने वाले सर हैं, सुबह काम करके गए, शाम को खा के सो गए, सुबह फिर काम करने चले आए। तो लड़के बच्चे अपना ये रहती, अपना ये देखती भालती है। आपने कोतवाली में प्रार्थना से दिया था, पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई? सिर्फ दरोगा जी कोतवाल साहब कह रहे थे कार्रवाई कर रहे हैं, अभी तुमको बताएंगे। आप क्या चाहते हो? हम सर ये चाहते हैं कि कड़ी कड़ा सजा देना चाहिए। मुजफ्फरनगर में रतनपुरी पुलिस ने हर्ष फायरिंग करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही मुजाहिदपुर गांव में शादी के दौरान हर्ष फायरिंग की गई थी, जिसमें हर्ष फायरिंग के दौरान एक महिला को गोली लगी थी। महिला की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जाँच शुरू करी थी और आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। और वहीं तमाम आरोप
आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं और पुलिस ने सभी आरोपियों से हर्ष फायरिंग के दौरान प्रयोग किए गए तमंचे, कारतूस और चाकू भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। और इससे पहले भी आरोपियों पर मारपीट के मुकदमे दर्ज है। रतनपुरी पुलिस पिछले कई दिनों से आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ दबिश दे रही थी, तो वहीं पुलिस ने आज तमाम आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद सलाखों के पीछे पहुंचाने के बाद राहत की सांस ली है। थाना रतनपुरी के गांव भूपखेड़ी में एक अमित लड़का है, उसकी घुड़चढ़ी थी, जिसको घुड़चढ़ी में जब वो बारात निकली है तो वो ग्राम मुजाहिदपुर की तरफ से निकली, उसमें काफ़ी संख्या में जो ये लड़के थे, ये जो अभियुक्त हैं इसमें, ये लोग नाचने गाने में और शराब पी के इतना ज़्यादा मदहोश हो गए, इन्होंने अपने कपड़े उतार दिए और तमंचों से फायरिंग करी, जिसमें श्रीमती सविता जी के जो उस द्वाराचार को देख रही थी उनकी गोली लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनका मेरठ रेफर किया गया, वहाँ इलाज उनका चल रहा है। उसी में ये अभियुक्त 147, 148, 307 IPC का पंजीकृत किया गया था, जिसमें इंस्पेक्टर रतनपुरी SSI रतनपुरी ने बड़े होशियारी से इसको सब मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। वो नाजायज तमंचे और कारतूस भी बरामद किए हैं जिन्होंने उस हर्ष फायरिंग में यूज़ किए। सर, तमाम जो आरोपी हैं कहाँ के निवासी हैं? ये सब लोग ग्राम भूपखेड़ी के निवासी हैं। जालौन के उरई कोतवाली पुलिस और सर्वे लाइन SOG टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। संयुक्त टीम ने अवैध हथियार बनाने वाले दो अभियुक्तों को उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक इराज राजा ने पुलिस लाइन में मामले का खुलासा किया है। बोर्ड परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी कराने वालों पर रासुका लगाई जाएगी और हरदोई जिले के सभी 143 परीक्षा केंद्र जिले पर बने कंट्रोल रूम के संपर्क में रहेंगे। जिले का कंट्रोल रूम माध्यमिक शिक्षा कार्यालय लखनऊ के संपर्क में रहेगा और ये बात जिला विद्यालय निरीक्षक BK दुबे ने बताई है। BK दुबे ने कहा है कि जिले में परीक्षा की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और परीक्षा में नकल कराने या अन्य गड़बड़ी करने वालों पर रासुका लगाई जाएगी और उन्होंने ये भी कहा कि पूरी परीक्षा कैमरे में निगरानी में रहेगी और सभी परीक्षा केंद्रों पर कंट्रोल रूम की नजर रहेगी और इसके लिए GIC हरदोई में कंट्रोल रूम बनाया गया है और प्रश्न पत्रों को GPS युक्त वाहन से परीक्षा केंद्रों पर भेजा जाएगा, जहां पर बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्र रखे जाएंगे वहां पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी। शिक्षा परिषद की तैयारी हमारे यहाँ पूरी हो चुकी है। जिलों को 6 जोन में बांटा गया है और 26 सेक्टरों में बांटा गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी 6 जोन में जोनल मजिस्ट्रेट, 26 सेक्टरों में 26 जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट, जिला स्तरीय अधिकारियों को तैनात किया गया है। 143 केंद्र बनाए गए हैं परीक्षा केंद्र, सभी पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं। हमारी तरफ से जो है सभी जगह केंद्र व्यवस्थापक तैनात कर दिए गए हैं, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक तैनात कर दिए गए हैं और सभी केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में कक्ष निरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। जनपद में कुल 106,547 परीक्षार्थी हाईस्कूल इंटरमीडिएट के देंगे इस साल, हाईस्कूल के 59,838 और इंटरमीडिएट के 46,709 परीक्षार्थी इस बार बैठ रहे हैं जी। और हरदोई से हमारे साथ इसी खबर पर मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है कि परीक्षा को लेकर बड़ी जानकारी दी गई है कि बोर्ड परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर अब रासुका लगाई जाएगी, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। जी, बोर्ड परीक्षा जो है वो शुरू होने वाली है और उसमें जो भी गड़बड़ी करेगा उस पर रासुका लगाई जाएगी। ये जो हरदोई जिले के सभी 143 परीक्षा केंद्र है जिले पर बने हुए हैं, उसमें कंट्रोल रूम के संपर्क में रहेंगे। जिले का कंट्रोल रूम माध्यमिक शिक्षा कार्यालय लखनऊ के संपर्क में रहेगा। वही DIO BK दुबे ने बताया कि जिले में 7 संवेदनशील परीक्षा केंद्र पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। इस बार जिले में 1,65,047 छात्र छात्रा इंटरमीडियम हाई स्कूल की परीक्षा में बैठेंगे, जो पिछली बार की अपेक्षाकृत अधिक है। पूरे जिले को 6 जून में बांटा गया, 26 सेक्टर बनाए गए हैं जी। इसको लेकर छात्र कितने अलर्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार देखने को मिलता है आसिफ कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती है या फिर कुछ पेपर लीक मामले सामने आ जाते हैं, इसको लेकर कितना यहाँ पर सतर्क नजर आ रहे हैं प्रशासन?
नहीं, आपकी हालांकि ऐसा क्योंकि अभी से पहले से ही ये शुरुआत जो हो रही है और इस तरीके की बातें आ रही तो छात्र भी अलर्ट ही रहेंगे, क्योंकि अगर अगर परीक्षा में नकल मिली तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और चूंकि रासुका लगाई जाएगी इसलिए जो है वो अलर्ट है। जी आसिफ, अगर छात्रों की पढ़ाई की बात की जाए तो किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं बोर्ड के एग्जाम को लेकर? जी आजकल छात्र जो है वो बोर्ड परीक्षा के तैयारियों के लिए लगातार पढ़ाई कर रहे हैं जिससे कि उनको नकल ना करनी पड़े और जो है वो पास हो सके। जी ऐसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। मुरादाबाद पुलिस अकेडमी में सेंध मार्ग पर बेशक की कीमत मूर्तियां चुराने वाले तीन शातिर चोरों को थाना सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए चोरी की मूर्तियां भी बरामद कर ली हैं। थाना सिविल लाइन पुलिस के सामने चुनौती पेश करने वाले चोरों के एक गैंग ने सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले मुरादाबाद पुलिस अकेडमी में ही सेंध मारी कर डाली है और जैसे ही पुलिस को इस चोरी की सूचना मिली तो हड़कंप मच गया, क्योंकि ये सभी जो मूर्तियां हैं बेशकीमती हैं और बतौर अवार्ड के ही पुलिस अधिकारियों को मिली हुई है बताई जा रही है। और इनमें से एक मूर्ति तो भगवान नटराजन की है और ये भी बताया जा रहा है कि सिविल लाइन पुलिस ने इस चोरी की घटना को अपनी साख बनाते हुए इस घटना की जाँच शुरू की तो सिविल लाइन पुलिस के हाथ फईम दानिश और शकील नाम के ही कबाड़ी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो इन्होंने पूरी घटना को स्वीकार किया है। और इस घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया है कि एक आरोपी चोट लगने से घायल है जबकि इसने पूरा माल बरामद कर लिया गया है। ये थाना सिविल लाइन्स क्षेत्र में कल रात्रि में दो लोग एक चोरी की घटना करते हुए मौके पर पकड़े गए हैं और इस गिरफ्तारी के दौरान उसमें एक व्यक्ति को चोट आई थी जिसका अभी उपचार चल रहा है। इनके द्वारा इनसे जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि एक दिन पूर्व भी इनके द्वारा एक घटना की गई थी जिस संबंध में थाना सिविल लाइन्स पर एक अभियोग पूर्व से ही पंजीकृत था जिसमें दो पीली धातु की कीमती मूर्तियाँ चोरी हुई थी। पूछताछ के दौरान इन लोगों ने बताया कि एक शकील नाम का एक कबाड़ी है जिसको इन्होंने ये माल बेचा था, वो शकील की उसके पास से वो मूर्तियां बरामद हुई हैं। इस प्रकार ये चार मूर्तियां बरामद हुई हैं और जो कबाड़ी शकील है उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण सफलता थाना सिविल लाइन्स पुलिस को मिली। ताज नगरी आगरा में G20 डेलीगेशन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। डेलीगेशन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आगरा पुलिस ने खाका तैयार कर लिया है और डेलीगेशन की सुरक्षा जमीन से लेकर आसमान तक होगी। और आगरा पुलिस ने ड्रोन की सहायता के साथ ही BDS की टीम और ATS कमांडो, PAC सुरक्षा की अन्य एजेंसियों मुस्तैद रहेगी। शहर के सभी चौराहे पर पुलिस बल तैनात रहेगा। डॉग स्क्वाड की टीम और ATS कमांडो होटल के बाहर मौजूद रहेंगे। होटल के अंदर और बाहर जाने वाले सभी लोगों की चेकिंग की जाएगी। तो 10th को जो हमारे डेलीगेट्स हैं वो अराइव करना शुरू करेंगे और 11th और 12th को मेनली इसमें दोनों कॉन्फ्रेंसेस और बाकी जो भी उनका एक्सकर्शन है वो सारा चीजें प्लान होंगी और 13th को वो आगे मूव करेंगे। तो इसके लिए हमारी सिविल पुलिस भी तैनात रहेगी, हमें जोन से और DG ऑफिस से रजिस्टर्ड ऑफिसर्स भी मिले हैं उसके लिए और इसके अलावा ट्रैफिक की अतिरिक्त फोर्स हमें मिली है और इसके अलावा जो ATS के कमांडो टीम्स हैं हमारी वो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट में है, वो अपनी जगह जगह जहां उनको बताया गया जहां उनको विजिट करना है वहां सब जगह वो रेकी कर रहे हैं। और इसके अलावा एंटी ड्रोन टीम्स और जो हमारी सिस्टम इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी सब इस मौके पर मौजूद रहेंगी और PAC और पैरामिलिट्री फोर्स की अलॉटमेंट हो गई है। तो ये सारा हमारा टोटल प्लान रहेगा और जो भी उनका रूट है वहां पे प्रॉपर फुल प्रूफ सिक्योरिटी होगी और इसके अलावा ट्रैफिक डिवीजन प्लान, क्योंकि हमें पता है कि उन दिनों में और भी कई आयोजन है, कई फंक्शंस हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। तो ट्रैफिक डिवीजन प्लान या ट्रैफिक मूवमेंट का जो हमारा प्लान रहेगा, ट्रैफिक डिवीजन उसको नहीं कहेंगे, ट्रैफिक मूवमेंट का जो हमारा प्लान रहेगा वो इस तरह से रहेगा ताकि लोकल रेजिडेंट्स को भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो।
हरदोई में कांग्रेस कार्यालय पर नकुल दुबे ने हाथ से हाथ जुड़ो अभियान के अंतर्गत जिला और शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर कांग्रेस नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की है और तैयारियों के संदर्भ में चर्चा करते हुए संगठन को दिशा निर्देश भी दिए हैं। नकुल दुबे ने कहा है कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है और जनता से किए वादे हवा हवाई होते हुए और जुमले साबित हुए हैं। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी दोगुनी हो गई है। किसानों की आय दोगुना होने की बजाय आधी रह गई है। 2 करोड़ नौकरियों के वादा करने वाली मोदी सरकार में बेरोजगारी अपने चरम पर है और 10 लाख सरकारी पद खाली है। पढ़ाई 3 गुना महंगी हो गई है और नोटबंदी और जीएसटी ने लाखों छोटे उद्योगों को खत्म कर दिया है और 50 लाख नौकरियां गई। 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए और पिछले 8 सालों में गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल के दाम 2 गुना हो गए हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर बूथ जाएंगे। हम लोग अपने जो समीक्षा बैठके हैं, अपने उसमें 11 जनपद हैं, तो 11 जनपदों की समीक्षा बैठक में आज 9 तारीख को हम लोग हरदोई जनपद आए हुए हैं। हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा हम लोग को अभियान दिया गया है हाथ से हाथ जोड़ अभियान, तो उसी अभियान में जो अभी तक की प्रगति है उसी की समीक्षा के लिए हम लोग जिलाध्यक्ष महोदय के आह्वान पर यहाँ पर है और उसी के काम यहाँ पर उसी के लिए मीटिंग चल रही है। लखनऊ के नाम बदलने की आवाज की है, उस पर क्या आपका रिएक्शन है? देखिए, काम कोई है नहीं, तो जब कोई काम नहीं रहता है तो कुछ ना कुछ काम किया जाता है। आप लखनऊ का नाम बदल दीजिए, आप रामपुर का नाम बदल दीजिए, आप इलाहाबाद का नाम बदल दीजिए, आप शाहजहांपुर का नाम बदल दीजिए, आगरा का नाम बदल दीजिए, लेकिन नौजवानों को रोजगार कब देंगे आप? अग्निवीर जैसी जो आप बहुत ही दुखदायी योजनाएं शुरू करते हो, उनको कब बदल करके उनका जो असली स्वरूप सैनिकों का था, सम्मान था, उसको कब रिस्टोर करेंगे? आप जो ये जो 1000 रुपए का सिलेंडर है, 100 रुपए का जो पेट्रोल है, डीजल है, इन सब पर कब अंकुश लगेगा? हमारी माताएं बहनें एक बार पुनः धुएं की चपेट में आ रही हैं, उनको कब मुक्ति दिलाएंगे आप? जो हमारे लोग भुखमरी से आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, उनको कब निजात मिलेगी? आज चिंता इस बात की है। आप लखनऊ में अभी आप चले जाइए, वहां पर 2018 में भी इस तरह बेवकूफ बनाया गया था और 2023 में एक बार फिर से वो इतना गरीबों के साथ इतना मजाक चल रहा, मध्यम वर्गीय के साथ इतना मजाक चल रहा है। एक तरफ आप कहते हो कि साहब लगभग 100 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन दे दे करके इनको जिलाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि 24 करोड़ जनता में से 20 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, तो क्या ये जो तमाशा हो रहा है, ये क्या करोड़ 2 करोड़ लोग ये हो रहा है क्या? तो जिस पर ध्यान देना चाहिए उस पर ध्यान नहीं देना है। और जो बातें हम लोग देखिए, गीत संगीत भी जब पेट भरा होता है तब अच्छा लगता है, तो ठीक है, आप अपना मनोरंजन कर रहे हैं, करते रहिए। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर पीलीभीत से है, जहां पर आपको बता दें कि पीलीभीत में ही बताया जा रहा है कि पीलीभीत के गांधी प्रेक्षागृह में बजट संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कृषि शिक्षा और अनुसंधान राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। और इस दौरान ही राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि अमृतकाल का पहला आम बजट एक लोक कल्याणकारी बजट है और ये गांव, गरीबों, किसानों, आदिवासी, दलितों, पिछड़ों और इसके साथ ही वंचितों, दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से पिछड़े और मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है और ये ग्राम विकास, कृषि विकास और श्रमिक कल्याण, इसके साथ ही डेवलपमेंट, डिजिटल और पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों सहित ये तो पूरे देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र के भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और इसके साथ ही समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। देश का 75वां आम बजट इज ऑफ लिविंग को बढ़ाने वाले पर जोर देने वाला बजट है। ये दुनिया में सबसे तेज गति के साथ देश को विकास की राह दिखाने वाला और भारत को सुपर इकोनॉमी पावर बनाने वाला बजट है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इन्वेस्टर समिट पूरे देश विदेश के जो लोग इन्वेस्ट करते थे, कोई चाइना में करता था, कोई पंजाब में करता था, कोई और कहीं करता था, आज जितने भी इन्वेस्टर हैं
कल आपके एमओयूज जो ओरिजिनली हमारे पास बहुत लोगों का कई लाख करोड़ के हमारे पास एमओयूज है, और कल और जो एमओयूज कल होंगे वो आपके सामने आएगा। बहुत सारे इन्वेस्टर यूपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टरों को यूपी में माहौल बना है, इन्वेस्टरों को अपना पैसा लगाने का माहौल बना है, और पूरी सहूलतें सिंगल विंडो से हमारी सरकार उन्हें सहूलत देगी, और हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे प्रदेश की तरक्की तो होगी। सहारनपुर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में एक 4 वर्षीय बच्ची रिया पुत्र संदीप चुलकाना अट्टा की गुमशुदगी अथवा अपहरण की सूचना पर एसपी सिटी की सक्रियता और भूमिका नजर आई है, जिसके संदर्भ में स्थानीय पुलिस को अवगत कराते हुए सर्वधारण को सूचित किया गया है कि 4 वर्षीय बच्ची रिया पुत्री संदीप निवासी चुलकाना अड्डा थाना देहात कोतवाली की सूचना पर एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक सहित सीओ दवित्य चित्राशु गौतम और इसके साथ ही थाना प्रभारी मनोज कुमार चौहल ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर न केवल संज्ञान लिया है अपितु घटनाक्रम की पूरी जानकारी परिजनों से भी ली गई है। जी, कल शाम को करीब 8:30 बजे सूचना मिली थी, एक वहाँ पे चिलकाना बस अड्डे पे कुछ लोग डेरा डाले हुए हैं और छोटा मोटा आसपास काम करते हैं, उसमें से एक बच्ची जिसका नाम रिया बताया जा रहा है वो करीब 4 बजे से दोपहर से वहाँ से गायब है। इसमें तुरंत मैं भी घटनास्थल पर पहुँचा हूँ, कोतवाली देहात टीम भी पूरी तरह से सक्रिय है और हर तरीके से परिजनों की सुनी जा रही है, मदद की जा रही है उसको ढूंढने में। जो उसने कपड़े पहने थे, उसका हुलिया, इस सब की हमने जानकारी कर ली है, सोशल मीडिया उसकी एक पिक्चर भी मिली है उसके परिवार जनों से, तो सोशल मीडिया में हमने हर ग्रुप में और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में भी वो फोटो सर्कुलेट कर दी है। तो इस तरह से उस पूरी घटना को उसकी बरामदगी के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। कितनी उम्र होगी बच्ची? 4 साल। सहारनपुर के एसएसपी के निर्देशन पर अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान में थाना कुतुबेश्वर पुलिस ने ही फर्जी कागजों के आधार पर जमीन बेचने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। प्रेस वार्ता में ही एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रणव कपिल और सीमा दोनों ने मिलकर फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी और इसके साथ ही फर्जी आधार कार्ड के द्वारा ही किसी दूसरे व्यक्ति का प्लॉट अपने दिखाकर ही बेच दिया है। जब इसकी भनक असली प्लॉट स्वामी को लगी तो उसने थाना कुतुबेश्वर में ही तहरीर देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। थाना कुतुब शेर पुलिस द्वारा ही जांच किए जाने पर पता चला कि ये दोनों अभियुक्त फर्जी कागज तैयार कर उनको बेच देते हैं, और जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह ने एक प्रॉपर्टी है मानवगंज चौकी क्षेत्र में 117 गज की, उसका एक फर्जी पावर अटर्नी बनाई। पावर अटर्नी के लिए एक महिला को खड़ा किया गया और उसको दिखाया गया कि वो अनिता रानी है, वास्तव में वो सीमा थी, रहने वाली देहरादून क्षेत्र की, देहरादून उत्तराखंड क्षेत्र की है, उत्तराखंड राज्य से है। और इसमें वो पावर अटर्नी प्रणव कपिल के नाम पर करी गई। प्रणव कपिल भूतेश्वर मंदिर के आस मंडी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, और इन्होंने फिर आगे एक राजीव मित्तल नाम के युवक को बेच दी। तो पूरी प्रॉपर्टी इनका प्लान ये था कि फर्जी पावर अटर्नी करा के किसी तीसरे आदमी को बेचकर उसको कब्जाने का। इसमें एक मेन मास्टरमाइंड जो है वो महेंद्र राणा नाम का युवक व्यक्ति है, जिसने ही ये प्रॉपर्टी देखी। और महेंद्र राणा और प्रणव कपिल आपस में पहले से ही साथी रह चुके हैं और इसी तरह साठगांठ करके और भी इसी तरह जमीन कब्जाने के उन्होंने कार्य किए हैं। सर, जो गिरफ्तार अभियुक्त है ये किसी राजनीतिक पार्टी में भी पदाधिकारी है, इसमें कितनी सच्चाई? पूछताछ के दौरान मेरे ऐसे कोई तथ्य मेरे प्रकाश में नहीं आए हैं, अगर आप बोल रहे हैं तो मैं इसमें पूछताछ कर लूंगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।